हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसा वीडियो बताएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं या आप अपने इंस्टाग्राम पर किसी फोटो को बूस्ट कर सकते हैं या ऐड लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक सही तरीका बताएंगे जिससे आपका पोस्ट इंस्टाग्राम का जो एड्स होता है वो डिसेबल भी नहीं होगा और आपका कोई आपके आईडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एकदम अच्छा सा तरीका बताएंगे। उसके लिए आपको पहले इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल बनाना होता है। तो प्रोफेशनल बनाने के लिए यहाँ पर जो नीचे में दिया हुआ है प्रोफेशनल सेटिंग करने के लिए, यहाँ पर आप सेटिंग प्रोफेशनल का कर लीजिएगा। प्रोफेशनल करने के लिए यहाँ पर आपको सारा चीज़ जो क्रिएट करना हो तो वो आप कर लीजिएगा। बटन वटन या व्हाट्सअप नंबर नंबर वंबर जो डिजिटल क्रिएटर का होता है वो सारा चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आईडी को फेसबुक से कनेक्ट रखिएगा जिससे कि आपका आईडी कभी भी डिसेबल नहीं होगा पोस्ट बूस्ट होने पर। क्या कि ज़्यादातर आईडी पोस्ट बूस्ट होने पर डिसेबल हो जाता है अगर आईडी आपका फेसबुक से कनेक्ट नहीं हो या पेज भी आपका फेसबुक से कनेक्ट नहीं हो। तो कैसे बनाना है पेज और कैसे क्या करना है वो आपको हम पूरा वीडियो इस वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट फेसबुक अकाउंट इसमें ऐड करना होगा। तो अकाउंट ऐड करने के लिए आप चाहिएगा यहाँ पर बतला देते एक मिनट, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ के बाद आप फ्रेंड्स आप लोग जाइएगा सेटिंग का ऑप्शन में। सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे हम लोग के पास यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है। यहाँ पर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने फेसबुक को कनेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका फेसबुक इस आईडी से चलता हो या कोई भी आईडी हो जो अच्छा हो उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अकाउंट के नीचे में ऑप्शन ऐड करने का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा दो थो दिखा रहा है। यहाँ पर पहले एक इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा ऐड फेसबुक अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से देखिए यहाँ से जाएंगे अकाउंट सेंटर में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड फेसबुक का अकाउंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो मेरा फेसबुक का ऑटोमेटिक अपना स्कैन कर लेता है और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ से यस फिनिश का ऑप्शन है। यहाँ पर पढ़ने वाला चीज़ आप जो पढ़ना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ से यस फिनिश करते हैं तो मेरा फेसबुक यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से फेसबुक ऐड हो गया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो फेसबुक का मेरा काम पूरा हो गया। अब फेसबुक ऐड होने के बाद भी किसी का आईडी जो बूस्ट पोस्ट होता है वो डिसेबल हो जाता है, कैसे डिसेबल हो जाता है सो आपको हम दिखला देते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा कोई बूस्ट रन करने के लिए यहाँ पर कितना बार रन किया सो अभी डिसेबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ रेड कलर का हाईलाइट नहीं दिया हुआ। यहाँ पर देखिए जैसे मेरा मेन आईडी में आपको दिखला देते हैं, ये मेरा मेन आईडी है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोशन आर डिसेबल लिखा हुआ है। यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते नहीं थे पहले और यहाँ पर हम अपना फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं किए हुए थे तो मेरा जो है ये डिसेबल हो गया। देख लीजिए रेड कलर से हाईलाइट किया गया हुआ डिसेबल। बहुत दिन से यह बहुत ट्राई किया लेकिन अभी तक ऑन नहीं हुआ है तो ठीक है हम चलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पर कैसे हम फेसबुक पेज को हम कनेक्ट करेंगे सो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सोनी किंग 2022 पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कोई डिसेबल उसेबल नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कोई डिसेबल उसेबल नहीं है, एक्टिविटी अभी शुरू हुआ है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे हम अपने पेज को कनेक्ट करेंगे। तो पेज पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम जो एडिट प्रोफाइल है इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर पेज का ऑप्शन है पेज। तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन है तो यहाँ पर मेरा कोई भी पेज नहीं है। यहाँ पर बोला है कनेक्ट और क्रिएट फॉर करा, आप कनेक्ट करिए आपका पेज बना हुआ है तो या क्रिएट करें। तो कौन सा पेज बनाने पर मेरा आईडी डिसेबल नहीं होगा वो भी बतला देते। आपका आईडी जो ऑन से ये जो नाम लिखा हुआ है सो बतला देते एक मिनट फ्रेंड। ये जो नाम लिखा हुआ है सोनी किंग 2022 इसी नाम से अगर फेसबुक पेज आप कनेक्ट करते हैं तो आपका प्रमोशन डिसेबल नहीं होता। अगर अदरवाइज दूसरा नेम से अगर आप क्रिएट करते हैं इसमें कनेक्ट करते हैं तो आपका प्रमोशन डिसेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसी नाम से बनाएंगे ताकि हमारा
अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं हो प्रमोशन के लिए डिसेबल हो जाता तो हम अपने पोस्ट को बूस्ट नहीं कर सकते या ऐड नहीं लगा सकते, बस बाकी सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला है क्रिएट फेसबुक पेज और कनेक्ट, अगर बना हुआ है उसी नाम से तो कनेक्ट करेंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, हमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाता है। तो हम मेरा फेसबुक पेज बना हुआ था, जैसे हम दिखला देते हैं आपको, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरा 3 पेज है, आनंद मोहन सोनी ऑफिशियल सोनी 2022 और सोनी किंग 2022। तो यहाँ पर सारा पेज बना, 3 पेज है मेरे, हमको इस पेज का ज़रूरी है। अगर आपका नहीं भी बना होगा तो आप यहाँ से क्रिएट फेसबुक पेज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेम आईडी का पेज बन जाएगा। तो हम मेरा बना हुआ है तो इसलिए हम कनेक्ट फेसबुक एक्साइटिंग पेज करेंगे, कनेक्ट एंड इस पर कनेक्ट करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आता है, 3 मेरे तीनों पेजों का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला कनेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डन। तो फ्रेंड्स मेरा कनेक्ट फेसबुक पेज भी हो गया, अब हम अपना प्रमोशन करेंगे तो मेरा डिसेबल नहीं होगा कभी भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हो गया मेरा पोस्ट, देखते हैं फ्रेंड्स कनेक्ट हुआ या नहीं। देखिए फ्रेंड्स वन मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम मेरा पोस्ट कैसे प्रमोट होगा, जैसे हमको एक पोस्ट करना है बूस्ट, पैसा कैसे ऐड करेंगे इसमें, पैसा कितना लेता है और कैसे ऐड करेंगे, जैसे इस पोस्ट को हमको बूस्ट करना है तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट बार अगर आप बूस्ट पोस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको आपको मैसेज चाहिए या वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, आपका कोई वेबसाइट होगा तो, और या हमको तो मैसेज चाहिए तो इसलिए हम मोर मैसेज करेंगे। और इसके बाद ऑटोमेटिक पर 2-3 आप ऑटोमेटिक पर करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर अगर फर्स्ट बार से ही अगर आप कोई डायरेक्ट सोनी पर करते हैं तो, या आप खुद का बना के करते हैं एज लिमिट करके बनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आपका प्रमोशन अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट बार आप जब भी करिएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा ऑटोमेटिक पर रखिएगा। तो ऑटोमेटिक पर करते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम पहले करते हैं 2 का, अगर 1 का करते हैं तो आपका ज़्यादा बचत उसमें नहीं होगा, ज़्यादा उसमें आपका पोस्ट को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम 2 का करते हैं, कम प्राइस में करते हैं, 2 का हमको लगता है कॉस्ट 240 लगता है, इसमें टैक्स लगाकर 282-283 तक लग जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा अवेलेबल फ्रेंड्स 0 है और हमको पूरा टैक्स के साथ देना है 283.02 देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमको पैसा कैसे ऐड करना होगा और कैसे पोस्ट करना होगा, तो यहाँ से बूस्ट पोस्ट करने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए, यहाँ पर 0 है तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स पैसा ऐड करने के लिए। 2 के लिए हम बूस्ट करेंगे, यहाँ पर पैसा ऐड करते तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऑप्शन से पैसा ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है UPI का सेटिंग, तो UPI से कैसे ऐड करेंगे पैसा वो बताए थे फ्रेंड्स। फिलहाल हमको करना है 284 कर लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं ऐड फंड। तो फ्रेंड्स ऐड फंड्स करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मांगेगा तो आप अपना डिटेल्स भर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम मांगता है, उसके बाद आप जब भी करिएगा तो नहीं मांगेगा। तो बिजनेस नेम आप क्या रखना चाहते हैं वो आपका जो बिजनेस नेम है वो आप रख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस अपना फिलअप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम
तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद आपके पास अगर पैन नंबर GSTIN नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो अदरवाइज छोड़ दीजिएगा उस ऑप्शन को, या आपके पास घर में किसी का भी होगा तो उसमें उसका भी डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर UPI का जो ID होता है वो मांगता है, तो UPI ID कहाँ से करेंगे, और 284 रुपया जो यहाँ पर लिखा हुआ है 284 रुपया फेसबुक, तो उसको कैसे पेड करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे अपना UPI कैसे ऐड करेंगे, तो पेटीएम में जाएंगे, या पेटीएम से करना है तो पेटीएम से, अगर पेटीएम से, या फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे से, या गूगल पे से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स हम करते हैं अभी पेटीएम फ़ोनपे से करते हैं, फ़ोनपे आप ज़्यादा अच्छा होगा। या तो फ्रेंड्स कहाँ से UPI मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से देखिए UPI सेटिंग या QR कोड है, इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरे पास 2 UPI ID चल रहा है मेरा, तो हम एक कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। नाम यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया सीता देवी, इसका मतलब अब यहाँ से प्रोसीड जैसे ही करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर पे करने का ऑप्शन आया 284 RS पे करने का, ऊपर में देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपका हट जाता है तो अदरवाइज कैसे करेंगे सो आपको बदला देते, आपको इतना समय के अंदर में करना है पे, उसके बाद आपको सक्सेस होगा, नहीं तो उसके बाद फिर से शुरू से करना होगा। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर से अगर हट जाता है तो, और यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी आ जाता है, ऊपर में हाईलाइट में आ जाता है। तो फ्रेंड्स वहां से आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेगा, पे होने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आइएगा, एक मिनट फ्रेंड्स। आपका जब पे हो जाएगा तो यहां पर दिखलाएगा पेमेंट सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपका आगे का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब पेमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर से भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा 284 RS का पेमेंट का नोटिफिकेशन आया है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पे का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी डायरेक्ट पे कर सकते हैं हट जाता है तो, और यहाँ से हम पे करते हैं इसको। पे करने के बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से पे करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, देखिए फेसबुक ऑनलाइन सर्विसेज आपको पे पूरा करके दिखला दिए हुए हैं, 284 RS, टाइम भी देख लीजिए 8:10 पर पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने इंस्टाग्राम में बैलेंस कैसे चेक करेंगे मेरा बैलेंस ऐड हुआ या नहीं, तो जाएंगे हम अपने आईडी में फ्रेंड्स। आईडी में जाने के बाद जिस आईडी में ऐड किया है पैसा उसमें जाएंगे, अब यहाँ पर से हम अपना बैलेंस चेक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जो बिजनेस, एक मिनट फ्रेंड्स, जो बिजनेस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस के क्लिक करने के बाद ऐड पेमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब यस यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरा फ्रेंड्स देखिए ऐप प्रीपेड फंड्स अभी 284 RS बचा हुआ है, यहाँ से और भी पैसा ऐड कर सकते हैं या 284 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हमको 282 रुपया का काम है, तो मेरे पास पैसा अवेलेबल बहुत ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको कुछ कौन सा पोस्ट ऐड करना, तो हम एक जैसे आपको इंस्टाग्राम फॉलोवर के लिए चाहिए या कुछ भी करने, यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। वैसे आपको फ्रेंड्स बता देते हैं,
एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से पोर्ट्स सेलेक्ट कर लिए फ्रेंड्स हम। अब यहाँ से हम करेंगे इसको आगे की तरफ पोस्ट करने के लिए। अब यहाँ से हम कैसे पोस्ट करना है, बूस्ट पोस्ट कैसे करना था, बूस्ट पोस्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम एनेबल करेंगे। और इसके बाद एनेबल करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से सही करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पूछेगा आपसे कैसे पोस्ट करना चाहते हैं, कितना आदमी के पास पहुँचाना चाहते हैं, कौन से कंट्री में पहुँचाना चाहते हैं, वो सब पूछेगा। तो हम फिलहाल शुरू शुरू में आप क्या करेगा, एकदम सिंपल से यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। मोर प्रोफाइल विजिट करेगा या आपको मैसेज करेगा या वेबसाइट पर आपका जाएगा या मोर लीड्स पर जाएगा, तो फिलहाल आपको मैसेज करेगा। तो मोर मैसेज करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर मोर मैसेज करने के बाद आप फर्स्ट बार दो तीन बार करते हैं तो आपको फर्स्ट बार आप ऑटोमेटिक पर ही रहने दीजिएगा, क्या है कि ऑटोमेटिक पर नहीं रखने दीजिएगा तो गड़बड़ हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मोबाइल नंबर इसमें ऐड नहीं था जिसके कारण मेरा कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर करते हैं मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं इसमें। अपडेट करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम फर्स्ट बार जब आप करिएगा तो आप हमेशा जो ऑटोमेटिक वाला होता है उसको ही सिलेक्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स दिखलाए थे मोर मैसेज करेंगे यहाँ पर। मोर मैसेज के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, क्रिएट योर ऑन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। सोशल इशू क्रेडिट आप इसमें से जो कर कैसा आदमी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर वाला को या प्रोपर्ट, तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं। हम जाएंगे यहाँ से फिर से जाएंगे, हमारा पोस्ट हो चुका होगा फ्रेंड्स, दिखला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा पोस्ट हो चुका है। यहाँ से बूस्ट इसको करेंगे, मोर मैसेज क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब टू डेज के लिए करेंगे तो यहाँ से टू डेज सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से मेरे पास 283 रुपये यहाँ से कटेगा, मेरे पास अवेलेबल बैलेंस 284 रुपया है। तो मेरा फ्रेंड्स यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ से जो भी टर्म्स एंड एग्री करेगा जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट पड़ाव आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से बूस्ट पोस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैसेज हमको आ गया सक्सेसफुली। ओके फ्रेंड्स, हट गया। अब देखिए फ्रेंड्स कैसा है। यहाँ पर पेंडिंग अप्रूवल लिखा हुआ फ्रेंड्स। आप इसमें देखिए फर्स्ट टाइम आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा भी लग सकता है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ लेट समय लगेगा, इसको यहाँ पर लिखाएगा पोस्ट बूस्टेड, यहाँ पर लिखाएगा आपको फर्स्ट टाइम कुछ लेट लगेगा। उसके बाद आप करते रहिएगा, 2-3 बार करिएगा तो आपका फास्ट जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो इसके लिए आपको बतला दे कैसे कैसे करना है जिससे आपको आपके इंस्टाग्राम आईडी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसे ही सेम आपका आप करिएगा। अब जब आपका पोस्ट मतलब अप्रूव हो जाएगा वहाँ से कंपनी की तरफ से पोस्ट बूस्ट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा फ्रेंड्स बता देते। देखिए फ्रेंड्स ऐसा दिखेगा आपको, करेंटली बूस्टेड, यहाँ ऐसा ऐसा सेम टू सेम आपको दिखेगा पोस्ट करेंटली बूस्टेड। यहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं आपका पोस्ट कितना रुपया खर्चा कर हो चुका है अभी तक, कितना समय तक अभी बचा हुआ है पोस्ट बूस्ट होने के लिए। तो ये ड्यूरेशन हम 2 दिन के लिए किए हुए हैं, दो दिन से कम आप नहीं करिएगा। फर्स्ट टाइम आप करिएगा तो आप 2 दिन से कम नहीं करेगा, है कि आपका पोस्ट बूस्ट होने के लिए होने में ही आपको कम से कम 2-3 घंटा या 8 घंटा भी लग सकता है। फर्स्ट टाइम आपको 8 घंटा तक भी लग सकता है। तो पेंडिंग अप्रूवल है, आप कुछ समय बाद आप इसको देखिएगा तो पोस्ट बूस्टेड लिखा जाएगा जैसे आपको इसमें दिखलाए हैं फ्रेंड्स, वैसे ही आपको पोस्ट बूस्टर लिखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप। और ये फ्रेंड्स ये आप इस तरह आप कोई भी पोस्ट ऐड में लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पर या
अपने वेबसाइट को भी लगा सकते हैं, जिसको भी चाहे उसको भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से, आपका आपकी आईडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस तरह से जैसे हम बतलाएँ वैसे लगाएँ, आपका आईडी में डिसेबल नहीं होगा। जैसे मेरा आईडी में 2-3 आईडी में डिसेबल हो चुका है, जैसे देखिएगा मेरा इस आईडी में नहीं हुआ। फिर जैसे मैं इस आईडी में देखिएगा तो इस आईडी में भी हो गया डिसेबल, इस आईडी में भी देखिए फ्रेंड्स डिसेबल हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स इस आईडी में मेरे मेन आईडी में भी हो गया डिसेबल। तो फ्रेंड्स जैसा बोला वैसा करिएगा तो आपका डिसेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं, सब्सक्राइब जरूर।